स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करके झारखंड सरकार के दबक मानदेय अपडेट माह जनवरी 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त का एक नया अपडेट आ चुका है शकील भाईजान के द्वारा मानदेय को लेकर कि मानदेय कब तक आपका भुगतान किया जाएगा और मानदेय को लेकर जो है कि डाटा और चिट्ठी कब तक अपलोड करने का जो है कि झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है अपडेट, पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह की जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों शकील भाईजान के द्वारा जो नया अपडेट आया उस अपडेट पर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि मानदेय अपडेट राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा आज सहायक अध्यापकों को जनवरी माह का मानदेय का डाटा अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के द्वारा जो है कि आज सभी सहायक अध्यापकों को जो है कि जनवरी महीने का जो कि मानदेय का जो डाटा अपलोड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अतः सभी जिले के अगवा साथी दिनांक 7 फरवरी 2024 तक राज्य के पोर्टल पर स्कीम कोड 164 PFMS पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी सभी जो है कि सभी जिले के जो अगवा साथी है वो आपका जो है कि 7 फरवरी तक जो है कि सभी पोर्टल पर स्कीम कोड यहां पर आपका दिया गया है 164 PFMS पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी अगवा साथी से जो अनुरोध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है आपका डाटा और चिट्ठी अपलोड करेंगे तो आपका मानदेय जो है कि जल्द आपका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है कि 7 तारीख तक आपका जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 7 तारीख तक आपका डाटा और चिट्ठी अपलोड करना है, वो भी आपको 164 PFMS के कोड पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है कि आप सभी के सुख दुख का साथी शकील भाईजान, यानी कि शकील भाईजान का द्वारा ये जो अपडेट आया हुआ है कि जल्द से जल्द जो कि मानदेय के लिए डाटा और चिट्ठी अपलोड करें और जल्द से जल्द मानदेय भुगतान हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट दिया गया था शकील भाईजान के द्वारा मानदेय को लेकर। कोई भी अगर नया मानदेय को लेकर नया अपडेट आएगा शकील भाईजान के द्वारा तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।